श्रमिक स्पेशल ट्रेन से ग्वालियर में आने वाले बाहर से मजदूरों की तैयारियों का प्रशासन ने जायजा लिया। प्रशासन ने मजदूरों के भोजन रुकने की व्यवस्था के साथ संदिग्ध होने पर क्वारंटीन करने की व्यवस्था भी की। बहुत से मजदूर लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। उनको घर वापस पहुंचाने के लिए शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन अगले 2-3 दिन के भीतर ग्वालियर पहुंच सकती है। इसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए झांसी के ADRM अमित सेंगर विशेष ट्रेन से ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जिला प्रशासन ने बैठक कर मजदूर के रुकने, उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने संबंधी विषयों पर भी विस्तार से बातचीत की। प्रशासन द्वारा आने वाले मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें संदिग्ध होने पर क्वारंटाइन सेंटर में भी रखने जाने की योजना पर विचार किया। देखिए, क्या है कि अभी एक एग्रीमेंट ट्राई पार्टी होगा, मतलब एक प्लान है कि रेलवे जो है दूसरे राज्यों में जो मध्य प्रदेश के फंसे हुए श्रमिक हैं वहां से ट्रेन के माध्यम से यहां पे लेके आएंगे। तो हम उस संदर्भ में आज यहां पे आए थे। तो जो लोग भी आएंगे उनका यहां पे स्वास्थ्य चेकअप होगा, उनको यहां पे हम लोग खाना पीना खिलाएंगे, फिर विभिन्न जिलों के जो भी हमारे वर्कर्स होंगे उनको हम बसों में बैठा के फिर यहाँ से रवाना करेंगे। तो हमारा इतना काम है कि जो लोग भी यहाँ पे आते हैं हमें उनका स्वास्थ्य चेकअप करके उन्हें उन्हीं जिलों में रवाना करना है, बाकी रेलवे कोऑर्डिनेट कर रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।